तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बनाया था एक लाइफ स्किल सर्वर, वो भी एटरनॉस से। लेकिन एटरनॉस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, अगर तुम लोग एटरनॉस से कोई सा भी सर्वर बनाते हो तो उस सर्वर में अगर तुम ज्वाइन करते हो तो तुम एक जस्ट मेंबर बन के ज्वाइन करते हो, ना कि ऑपरेटर। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, हाउ टू बिकम ऑपरेटर फॉर योर एटरनॉस सर्वर। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी आई जस्ट रिक्वेस्ट की वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और बाकी तुम लोगों को पता ही करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर याद से कर लेना। बाकी दिल में तुम्हारे जो कुछ भी आ रहा होगा, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जल्दी से कमेंट कर दो और कमेंट जरूर करना, ठीक है। और बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी स्टार्ट करते हैं। जस्ट मैंने एक सर्वर बनाया जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए कि क्या होता है अगर हम लोग सर्वर बना के उसमें ज्वाइन होते हैं, क्या हम मेंबर बनते हैं या तो ऑपरेटर। चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। तो स्पॉन, तो भाई स्पॉन क्या यार, सर्वाइवल सीरीज वाली आदत बहुत गंदी है। तो गाइज हम जस्ट अभी एक मेंबर हैं और हम लोग कुछ यूज नहीं कर सकते ऑपरेटर वाला, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। तो अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ करना क्या है तुम लोगों को, वो मैं जस्ट अभी बताऊंगा। लेकिन तुम जस्ट ये देखो कि कोई सा भी सर्वर तुम लोग बना लो, लेकिन तुम सिर्फ एक मेंबर बन के ज्वाइन होते हो, ऑपरेटर नहीं। मैं आ चुका हूँ एटरनॉस की वेबसाइट पे। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। अब तुम लोग यहाँ पे आते हो, डायरेक्ट प्लेयर्स में जाते हो और ओपीएस सेलेक्ट करते हो, मतलब ऑपरेटर सेलेक्ट करते हो। यहाँ पे तुम लोग अपना यूजर नेम, यूजर टैग बोल लो या नेम टैग बोल लो, तुम लोग यहाँ पे डालते हो अपना गेमर टैग और तुम लोग इसे डायरेक्ट ऐड कर देते हो। मतलब यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, यही नहीं करना होता है। अब तुम लोगों ने ये करके रिस्टार्ट कर दिया, मतलब सर्वर रिस्टार्ट कर दिया, जो से तुम लोग ऐड हो जाओ, मतलब ऑपरेटर बन जाओ, ठीक है। लेकिन यही नहीं करना होता। अभी मैं तुम लोगों को सर्वर में ले जाके तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है। जब तक ये रिस्टार्ट हो रहा है तब तक तुम लोग लाइक कर सकते हो यार, ये क्या यार, मतलब कर लो। मैं वापस आ चुका हूँ सर्वर में। आप देखो जस्ट अभी मैं ओपीएस में अपना नाम लिख के आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक मेंबर ही हूँ। ऐसा क्यों हुआ तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हमारे नाम के आगे, हम लोग बेडरॉक एडिशन से खेलते हैं तो हमारे नाम के आगे एक डॉट लग जाता है, डॉट ब्लैक प्लेस, जैसे कि तुम लोगों को देखने को मिल रहा होगा। हम लोग फोन में खेलते हैं इसलिए ऐसा होता है, जावा वालों के साथ ऐसा नहीं होता। आई सपोर्ट फोन प्लेयर्स, तो तुम लोग अगर फोन में खेलते हो तो नीचे लिख दो यार। तुम लोगों को वापस एटरनॉस के सर्वर पे आना है और जैसा, बिल्कुल जैसा तुम्हारा गेमर टैग है डॉट लगा के, बिल्कुल जैसा गेमर टैग है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अब जैसे ये पुराना वाला है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं तुम्हारे सामने देखो जैसा था वैसे ही लिखने वाला हूँ, डॉट। अब देखो बड़ा, मेरा बड़ा वाला बी है तो बड़ा बी, फिर एल ए सी के, और बड़ा पी भी है तो बड़ा पी, एल वाई और जेड, Y और Z। अब ऐड करूंगा, अब देखना, अब तुम लोग देखना, अब हम लोग OPS बन जाएंगे, मतलब हम लोग अपने सर्वर के ऑपरेटर बन जाएंगे। अब तुम लोगों को ये करने के बाद एक बार सर्वर को रीस्टार्ट जरूर कर लेना है, ठीक है। तो रीस्टार्ट करके अब चलते हैं हम अपने सर्वर में। तो मैं आ चुका हूँ फर्स्ट से सर्वर में। अब बताओ, अब कौन लगाएगा शर्त मेरे सामने कि मतलब हम, ये क्या, ये कौन से सस्ते नशे हो गए माइनक्राफ्ट के। रुको कोई बात नहीं, दो तीन मिनट में ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाता है कभी कभार सर्वर आर में, ऐसा होता रहता है कि माइनक्राफ्ट के सस्ते नशे हैं। हाँ देखो, ब्लैक प्लेस ज्वाइन द गेम। अब कौन लगाएगा शर्त मेरे साथ कि मैं ऑपरेटर बनाऊं कि नहीं, बताओ बताओ। मेरे हिसाब से तो मैं तो बन चुका हूं, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, डॉट लगाने के बाद अपना गेमर टैग लिख के ऐड कर लेना, तब जाके तुम लोग बन सकते हो ऑपरेटर अपने सर्वर के। तो इसी बात पे आप तुम लोग लाइक कर दो। अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला भी हूँ, प्रूफ भी देने वाला हूँ कि हम ऑपरेटर बने हैं कि नहीं। और ये मतलब लोड नहीं हो पा रहा चंक, इसलिए धीरे धीरे आ रहा है, जानते हो यार थोड़ा बहुत नेट का प्रॉब्लम होता है भाई, समझ सकते हो तुम लोग। इसी भाई, इसी स्ट्रगल पे तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोगों को पता है, तुम लोगों के पास एक ही है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो अपने दायित्व से पीछे मत हटना। ओ ओ भाई, नदी में देख सकते हो यार, क्या मस्त है माइन साहब। चलो अब तुम्हें दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो, मैं ऑपरेटर बन चुका हूँ। बाकी अब मैं ऑपरेटर के सारे कमांड जो होते हैं वो सारे के सारे मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि क्या क्या दे रखा हुआ है, अरे यूज टेलीपोर्ट, हाँ हाँ ठीक है, बहुत है यार, सब ऑन कर लिया है, बाकी बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। तो गाइज अब हम फाइनली ऑपरेटर बन चुके हैं। अगर आज की वीडियो तुम लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी होगी, जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो तुम लोगों को क्या करना है तुमको पता है। और बाय द वे एक चीज़ तो बताया नहीं, पिछली वीडियो में मैंने एक लाइफ स्टाइल सर्वर बनाना सिखाया था, अगर तुम लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो स्क्रीन पे वीडियो आएगी, वो क्लिक करके तुम लोग देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को हार्ड रेसिपी कैसे बनाते हैं, रिवाइव कैसे करते हैं प्लेयर्स को, मतलब जो लाइफ स्टाइल सर्वर बनाई थी उसके आगे का वीडियो क्या होने वाला है वो बताऊंगा। और भाई यार इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, स्पॉइलर क्यों बन रहा हूँ मैं। और बाकी मैं तुम लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और बाकी अपने दायित्व को पूरा करके जाना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना।